के जो नजारा जो है आप बड़म बाखास पाना पानड़ी के जल घर का देख रहे हो, इतना बुरा हाल शायद ही आपने कहीं पे देखा हुआ। और ये बेचारे जो लगे हो, कोई मजदूर नहीं, कोई दिहाड़ी पे नहीं आए हुए, सारे के सारे जो लोग लगे हुए हैं गांव के जो है सामान्य नागरिक, जिन्होंने शायद अपने घर में कभी जो है झाड़ू उठा के नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ पे जो है ये गंदगी, इसके पास भी खड़ा होना मुश्किल है, दो मिनट के लिए भी इतनी बदबू मार रही है। लेकिन ये बेचारे जो है खुद भाई एक एक बूंद के लिए, जो पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ डिग्गी में आगे जो है पिछले लगभग जो है शायद हफ्ता भर से इसी तरीके से जो है लगातार जो है काम में लगे हुए हैं, ताकि गांव के अंदर कोई व्यक्ति जो है प्यासा ना रहे, हर घर में जो है जल पहुंच सके। हालांकि ये काम तो जो है सरकार का काम था, बड़े बड़े दावा करती है जो हर घर तक जो है जल पहुँचाने का दावा करती है, लेकिन वे सारे के सारे दावे जो है यहाँ आके जो है पहुँच के जब हमने देखा तो सारे दावे जो है फेल होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो है बड़म्बा गांव से जो है कुलदीप राठी सरपंच जी और पूरी इनकी समस्त टीम, पूरे गांव के साथ एक एक छोटा छोटा बच्चा भी यहां पे आपको देखने को दिखाई देगा। सरपंच साहब नमस्कार। राम राम जी भाई साहब। सबसे पहले तो ये हालात देख के शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे हरियाणा के अंदर पानी की जो व्यवस्था है, किस तरीके से जो सरकार के जो दावे है हर घर जल पहुँचाने के दावे फैल होते दिखाई दे रहे हैं। ये भाई साहब जो हालात आप देखने लग रहे ना, अपने अगर घर में हो ने तो आप मजदूर ते या मशीनरी ते शोधन कटवा, लेकिन पानी की मतलब इतनी किल्लत हो रही है, आप देख सको ये सारा भाईचारा इसका मह बढ़ रहा है और कितने बुरे हालात है। और ये तो भारद्वाज साहब थोड़ा है, ये आप एक बार अपना कैमरे मेरी साइड में दिखवा के देख लो, देखो इस साइड में परली साइड में इतना मतलब अगर जब 2 साल और रह जाते ना तो ये टैंक है ना आधे से ऊपर सिल्टा भर जाता। और रही सरकार की बात, करोड़ों के बजट सैंक्शन होते हैं जलघरों के जो खाली साफ सफाई के लिए आते हैं, लेकिन आप मेरे गांव के 2 टैंक हैं इनके हालात देख सकते हो। अगर सरकार चाहती तो टाइम से करवा भी सकती थी, लेकिन कम से कम भी 1.5-2 साल से तो मान लें 1.5 साल तो मन हो गया प्रयासरत इस मामले में सफाई के लिए, सिवाय आश्वासन के सरकार से हमें कुछ नहीं मिलता। रही मेन बात, जो इनलेट चैनल है जिससे पानी डलता है इसके अंदर, वो 4 साल से ब्लॉक पड़ा है, चौक है बिल्कुल, उससे एक बूंद पानी की नहीं आ रही। और 4 साल पहले जब सरकार का ये देखने के बावजूद जो हमारे पूर्व सरपंच थे समुन्द्र सिंह राठी, उन्होंने अपने लेवल पे एक लाइन दबाई थी जिसकी मैंने उस टाइम पे हाँ भी भरी थी पेमेंट करने के लिए, लेकिन आज तक उनकी भी पेमेंट नहीं हुई है। इस मामले में हम SC साहब से भी मिले थे, DC साहब से मिले थे, आश्वासन जरूर मिलता है करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। रही दूसरी बात, एक वही ट्यूबवेल है जिसके तहत मतलब यहाँ तक पानी पहुँचता है, उसके अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। उसके अतिरिक्त जो ये खेतों से नाली आती है ना, जो उस नाली में पाइपों की परमिशन लेके यहाँ तक पानी पहुँचाते हैं, और बर्मा ट्रैक्टर से लगा के इन उद्दों में पानी पहुँचाते हैं जिसके तहत हमें पानी मिल पाता है। और इसी उसमें एक ट्यूबवेल तो पंचायत ने आपकी बार लगवाया, मैंने लगवाया इसमें इसकी पानी की आपूर्ति के लिए, और 2 ट्यूबवेलों की आपके माध्यम से भी मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा। 2-3 हमारी मांग है, एक तो इनलेट चैनल है जो वो उसको दुरुस्त कराया जाए ताकि पानी आ सके, एक बूंद भी पानी नहीं, आप चेक करके देख सको। दूसरा जो एक ये पूर्व सरपंच की जो पेमेंट पेंडिंग है वो करवाई जाए, उसका क्या कसूर था, उसने गाँव को पानी देने के लिए अपने पास से पैसे लगा रखे हैं, लेकिन 4 साल हो गए आज तक उसके पैसे नहीं मिले। उसके बाद 2 ट्यूबवेल, क्योंकि आसपास के यहाँ इसमें पानी बढ़िया नहीं है, माइनर के साथ में जिस साइड से भी बढ़िया पानी हो, हर वाटर वर्क्स में है ट्यूबवेलों की अलग से फैसिलिटी है। ये 5,82,00,000 का उसमें जलघर तैयार हुआ था 2013 में, तब से लेकर ना तो इसकी आज तक सफाई हुई है। आज जो सफाई करी है ग्रामीणों ने अपने लेवल पर करी है। मनरेगा मजदूर वगैरह भी लगे हुए हैं? मनरेगा मजदूर लगे थे, उनका वो परमिशन भी लेके आए थे, लेकिन आपके माध्यम से मैं खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ, दीपक ABPO है यहाँ पे, जो मतलब अफसरशाही इतनी हैवी कर रहा है अपने आप में, वो मानस को मानस नहीं समझ रहा। मतलब ये नरेगा मजदूर, आप उनकी जबानी सुनना, उनके साथ उसने इतने मतलब गलत बर्ताव करे हैं, और पिछले 1.5 साल से उसने एक काम नहीं दे रखे इन मजदूरों को। सरकार से पब्लिक हेल्थ से लाके परमिशन ने 10 दिन का मेस्ट्रोल निकलवा के काम दिया था, एक दिन 35-36 मजदूर इसमें सफाई के लिए उतरे भी थे,
लेकिन उनकी उस दिन की भी हाजिरी नहीं भरी गई। अच्छा, ये ट्यूबवेलों की जो मांग कर रहे हो आप, किससे कर रहे हो ये मांग? ट्यूबवेलों की मांग हम पब्लिक हेल्थ से कर रहे हैं। एससी साहब ने कहा था कि जो इनकी कोई ब्रांच होती है जो अम्बाड़ा से स्पेशल ट्यूबवेलों के लिए आती है, तो दो ट्यूबवेल सरकार से अनुरोध है कि दो ट्यूबवेल ऐसे लगवाए जाएं जिससे नहर जिस टाइम नहीं आ रही हो तो उससे आपूर्ति करके यहाँ पे हर गांव तक पानी पहुँचाया जाए, इसके दो समर्सिबल की जो ट्यूबवेल साहब। हाँ जी, ये हालात देख के सफाई जो है गाँव वाले खुद कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये मांग जो है अब क्यों हो पाएगी? जी, मांग मांगना हमारा अधिकार है, और नहीं तो पहले भी करते आए हैं, आज भी आप देख रहे हो। अभी तो मतलब तकरीबन जा लिए इस मामले में। मैं मेरी पंचायत के सभी ग्रामवासियों का अपना मैं धन्यवादी हूँ कि मेरे एक बोल पे सारे ने सब ने भाईचारा परिचय दिया। 36 बिरादरी के भाई कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने सफाई करी। ये मतलब सरकार की बाट देख के करे हमने ये काम। रही बात पानी की, अभी एक हफ्ते नहर चलो, 5 दिन चलो, 10 दिन चलो, हर मतलब ये का कहता हूँ हमारे शिफ्ट वाइज ड्यूटी देते हैं, पहरा देते हैं, और ये हमारी मजबूरी है क्योंकि एक हफ्ते का जो पहरा है ना, इस तरह हमने 1-1.5 महीना पानी मिल जाए है, इस कारण हम अपना पहरा दे। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है या फिर और भी स्थानीय नेता है, उनसे इस बारे में बातचीत हुई थी? नहीं, ओली सब ने इन बातों का संज्ञान सबको है, लेकिन यहाँ के कोई नहीं जागता। नहीं तो बजट MLA पे भी होता है भाई, MP साहब पे भी होता है, लेकिन सरकार पे भी इसका अलग से सफाई के लिए प्रोविजन होता है। ग्रांट आती है 1 करोड़ रुपये की, लेकिन वो ग्रांट आगे ऊपर की ऊपर खाई जाती है, हमारे यहाँ तक उसका एक तुनका नहीं पहुँचता। अच्छा मैम, के अंदर जो जल घरों की जो सफाई हुई थी उसका 1 करोड़ रुपये का बजट हुआ था पास, बड़ा गाँव में ऐसी क्या दिक्कत आई है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भारद्वाज साहब, पता है क्या है, सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है। मैंने देखा है, आपने भी फोकस करवाया था बार बार, जब मीडिया का सारा क्यों लिया जाता है, बार बार फोकस करा जाता है। यहाँ पर अपनी बात बता दें, कागज हम अफसरों का अधिकारियां दे के आ जाओ, वहीं दब जाए हैं। मीडिया एक ऐसा माध्यम है, मैंने देखा था कि बार बार वहाँ पे भी गंदगी का इतना बुरा हाल था, जो आप वर्गे मीडिया कर्मियों ने वो आवाज़ उठाई, सरकार के कानों तक पहुँची, और बार बार उन अपनी इस बात की बेइज्जती महसूस करके उसके बाद वह कार्रवाई कराई है। इसी तहत आपसे निवेदन है, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी मतलब झूठा आप करो, सच आपके सामने है, ये शिल्ट देख लो आप, इतनी शिल्ट है, चुकर दे लकड़ी पड़ेगी, इसका लकड़ी पड़ी है, आप देख सको। और पिछले आज छठा दिन आ गया हमारा, उसने पूरे गांव ने इस मामले में कंधे से कंधा मिला रहे हैं, पूरी दोपहर ही बजा है, शाम भी जा है, और ये पानी चल पड़ा तो उस अपनी उसमें एक एक बूंद खतर, हम रात भी मारी अड़े जाओ। मनरेगा के बारे में है? नहीं, मनरेगा वालों के बारे में पूछ रहा है, ये बेचारे जो लगे हुए इनका क्या कसूर है? मान लो गाँव वाले लगे हुए हैं, पानी तो सबको चाहिए, उनको भी चाहिए, मजदूरों की दिहाड़ी वगैरह वो मिलती है नहीं मिलती? जी, एक दिन की दिहाड़ी नकरी, इनकी हाजिरी तक कोई भरण नहीं आया यहाँ पे, कहने के बावजूद 2 मेठ मेरी पंचायत के हैं, एक किरण और एक ये अपने सोमवीर है, ये 2 मेठ हैं। 1.5 साल के अंदर एक हफ्ते का काम इनको यहाँ पर जो अपने PHC है ना बड़म्बा में, वहाँ पे दिया था। उसके बाद मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मैंने डिमांड कर करके प्रस्ताव कर करके उनसे काम मांग लिया, लेकिन इनको काम नहीं दिया गया आज तक। जो ये 10 दिन का मेस्ट्रोल निकाल के काम दिया था उसमें इनकी हाजिरी लगी, एक दिन की दिहाड़ी वहाँ भी रह गई थी, ये चक्कर काट के SDM साहब के BDO साहब के ये खूब घूम लिए, लेकिन इनने कोई इनका सुधार नहीं हुआ, ना ही नवा दिहाड़ी मिली। उसके बाद वो जो ABPO दीपक है जो मैं बता रहा हूँ, मैं खुले शब्द में कहता हूँ, उसकी ओल झोल चल रही है, क्योंकि जो इन मृति बताया ने वो कल भी सामने आई है बात, उन्होंने कहा कि अगर पहले वाला मेस्ट्रोल अगर आप जारी करवाते हैं तो इनके साइन करवाओ और ये माफ़ी मांगे, इनकी दाड़ी नहीं मिल रही और माफ़ी भी ये मांगे। तो इन्होंने मतलब वो साइन करने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था अगर आप साइन कर दे तो इसका मेस्ट्रोल में जारी कर दूंगा और आपका काम हो जाएगा सफाई का। साहब, आपको लगता है खाली एक अफसर इस तरीके की हिम्मत हो सकती है कि पूरे मजदूरों को दबा ले? ऐसा है जी, एक तो नहीं, एक का तो काम नहीं हो सकता, लेकिन उसे ABPO का जो आज के दिन यहाँ पर चल रहा है जो सिस्टम है, वही मजदूरों पर भी आप पूछ सकते हो, और मन ने भी कई बार रूबरू होने की कोशिश करी लेकिन उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। रही बात सीधा गोलमाल सामने आ रहा है, कल परसों हैं जब ये मनरेगा मजदूर पहले लगे थे, इनकी दिहाड़ी नहीं मिली, अब ये 3-4 दिन तक काम चल रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं, सिर्फ समाज सेवा में लग रहे हैं, आपके सामने लग रहे हैं सारे मनरेगा मजदूर है, परली साइड में आधा यो भाईचारा वैसा है, आधे मनरेगा मजदूर है, ये सिर्फ अपना उसमें भाईचारा मर पानी की उसमें लग रहे हैं, लेकिन इनकी आज भी दिहाड़ी नहीं है। और यहाँ पर कल जो पता लगा है वहाँ से, मतलब जो मेस्ट्रोल है वो इस वाटर वर्क्स का निकला हुआ है, और वो काम कहाँ चल रहा है, नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं पता। मजदूर मेरे सामने यहाँ पे हैं,
जो काम कर रहे हैं उनकी कोई दिहाड़ी नहीं, कल इसके फोटो खींच के परले टैंक के ले जाके और वो नीचे पे, ये वो मेस्ट्रोल है जो पिछले कई दिन से काम चल रहा है हमारे वाटर वर्क्स में, 16 से 26 तक का मेस्ट्रोल है, लेकिन यहाँ पर कोई वो नहीं, किसी मजदूर की हाजिरी नहीं भर रखी। वो काम कहाँ चल रहा है या कराया है या नहीं कराया है, इसका 8 लाख रुपए का बजट था जो सेंक्शन करवाया था हमने सफाई के लिए, 8 लाख का, एक पैसा भी नहीं है। और वो हाजिरी कहाँ लग रही है, और इसके फोटो खींच के काम तो ये भाईचारा ये मजदूर फ्री में कर रहे हैं, लेकिन उसकी पेमेंट को और को लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज इस काम से फारिग हो जाए, पानी डलना शुरू हो जाएगा, डीसी साहब के पास जाके पूरे मनरेगा मजदूरों के साथ, और जो ये गोलमाल है ना, ये झोल है, इसका पर्दा मैं फाश करूँगा, बिल्कुल खुले शब्द में बता रहा हूँ। जो दीपक या उसकी जो भी टीम है यहाँ पे, जो उसका साथ दे रही है, उनका पर्दा फाश पक्का होगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। सरपंच साहब ने अगुवाई की और पूरा गांव आ गया साथ में, पूरा गांव साथ में आ गया, कम से कम कुछ बूंद पानी तो गांव में मिलेगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि सरपंच साहब ने आज तो अगुवाई कर ली, ये काम तो सरकार का है। जो सरकार ने बदला गया हमें, फिर हमारा बढ़िया चल रहा है, सरकार पर भरोसा नहीं। अच्छा जी। हाँ। तो अब ठीक है, पानी मिल जाएगा। अब कितने दिन से पानी, अपनी मेहनत, गाँव में कितने दिन से पानी नहीं आ रहा था, गाँव में तो 15-20 दिन से। अच्छा जी, जब जाके यहाँ पे आना पड़ा। हाँ हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। इतनी बड़ी समस्या, कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा क्या हो गया? नहीं ना सुनागा तो भाई, काम तो सही अपना खुद कर लेगा, काम तो करेगा अपना, काम ने कर लिया। अरे एक बात और भी है, या भी पहले बताऊं आपके माध्यम से, वो प्रहलाद साहब कराया ना हमने पहले, उसके ना फोटो उतार के ले जा रही है कोई लेडीज मेट है, उसकी हम पेमेंट नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जियो, चाहे हमने सुमन है कोई भी है, हम पेमेंट नहीं होने देंगे उसकी। गांव वाला ने सफाई कर रखी है दोनों डेगा की, एक पैसा भी पेमेंट नहीं होने जाए, चाहे डीसी से भी आगे जाना पड़ियो हमने। एक बार ये पीछे दिखा दो पवन भाई, आने वाला इलेक्शन में वो रिजल्ट भी दिखा जाए फिर। अगर गांव के लोगों को खुद जो है उतर के जो है सफाई करनी पड़ेगी, डिग्गियों की बात करें या गांव के अंदर सरपंचों को आप देखते हो, तो फिर इस सरकार का काम ही क्या है? एक बार रिजल्ट दिखा दे, ये देख, ये जो है यहाँ डिग्गी से निकाली हुई है, और पूरी की पूरी जो गांव के लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत करके बाहर निकाली, और इतनी गर्मी के अंदर जहाँ 2 मिनट के लिए भी खड़ा होना भी मुश्किल है, और गांव के लोग जो है बेचारे रात दिन जो है इसी तरीके से मेहनत करके ये गांव के अंदर 2 बूंद पानी की पहुंच सके, उसके लिए रात दिन जो है प्रयासरत है। कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे अगर देख रहे हैं तो इस और जो है ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के धांधली अगर होएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें। लेकिन जो है सरपंच साहब जिन्होंने ये पहल की है, उनकी जो है इस मामले के अंदर जो है जरूर तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं युवा सरपंच, पढ़े लिखे सरपंच युवा नेताओं का होना जरूरी है, क्योंकि वही जो है इस तरीके के कारनामे कर सकते हैं। नहीं तो इतने लोगों को एक साथ लेकर चलना और इस तरीके के इतने बड़े बड़े काम करना, क्योंकि करोड़ों रुपये आपने देखा था, जैसे मैम डिग्गी का मैंने जिक्र किया, करोड़ों रुपये जो है टेंडर पास हुआ था तब जाके उस डिग्गी की सफाई हुई थी, और अभी भी जो है सफाई होने के बाद भी जो है पूरे शहर को अभी भी जो है पानी के लिए तरस रहा है, और लगातार जो है शहर वासियों की बात करें या गाँव वासियों की बात करें, गांव के लोग जो है पानी के लिए जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और लगातार जो आवाज़ भी उठा रहे हैं। आज गांव के लोगों की ये हालत देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना भारी संकट जो है गाँवों के अंदर शहरों के अंदर जो पानी की समस्या को लेकर बना हुआ है। और अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।